CAT 2022 slot 1 question number 13. Let's see this question. In a village, the ratio of the number of males to females is 5:4. The ratio of number of literate males to literate females is 2:3. The ratio of the number of illiterate males to illiterate females is 4:3. If 3600 males in the village are literate, then the number total number of females in the village is. तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है और इजीली किया जा सकता है. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना था देखते हैं मिलके. तो इन ए विलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स का रेशियो हमें 5:4 दिया हुआ है. तो सबसे पहले 5:4 टोटल रेशियो दिया हुआ है मेल्स और फीमेल्स का. ये मेल्स हैं तो ये फीमेल्स हैं. फर्दर इट इज़ गिवन दैट लिटरेट मेल्स और लिटरेट फीमेल्स का रेशियो 2:3 है. तो लिटरेट मेल्स अगर मान लेते हैं 2x हैं तो जो लिटरेट फीमेल्स हैं वो कितनी है 3x है. ये गिवन है हमें क्वेश्चन में कि लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल्स का रेशियो 2:3 है. तो ये लिटरेट मेल्स हैं और ये लिटरेट फीमेल्स हैं. फर्दर इट इज़ गिवन दैट इलिटरेट मेल्स टू इलिटरेट फीमेल्स आर इन द रेशियो 4:3. तो इलिटरेट मेल्स अगर मान लेते हैं 4:3 के हिसाब से 4y हैं तो इलिटरेट फीमेल्स जो होंगी वो 3y होंगी. ये गिवन है क्वेश्चन में. फर्दर इट इज गिवन दैट 3600 मेल्स इन द विलेज आर लिटरेट. 3600 जो मेल्स हैं वो विलेज में लिटरेट हैं, मतलब 2x का वैल्यू. ये 2x, तो ये 2x हमें गिवन है 3600. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स फाइंड आउट करनी है विलेज के अंदर कितनी है. तो आप पाएंगे फीमेल्स जो हैं विलेज के अंदर वो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस y के इक्वल हैं. 3x प्लस 3y, इन दोनों का सम बताना है. तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस y हमें निकालना है. बेसिकली x प्लस x और y आ गए तो आंसर आ जाएगा. तो x तो हमारा यहीं से आ जाएगा बिकॉज 2x का वैल्यू 3600 है. तो यहाँ से x का वैल्यू जो आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 1800. तो x का वैल्यू 1800 आ गया हमारा. तो उसके बाद अब आगे चलते हैं. आगे हमें ये दिया हुआ है ये 1800 है तो 2x कितना बन गया. सबसे पहले ये 2x निकाल लें, दैट इज लिटरेट मेल्स. तो 2x हो जाएगा. अच्छा, कैन वी से दैट 2x प्लस 4y टोटल मेल्स हैं और 3x प्लस 3y टोटल फीमेल्स हैं और इन दोनों का जो रेशियो हमें दिया हुआ है दैट इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 5/4. अब आप इसमें x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लें जल्दी से और क्वेश्चन फिर खत्म है हमारा. तो 2x हो जाएगा 3600 प्लस 4y है. 3y हो जाएगा 83 इंटू 1800 5400 प्लस 3y है और इसका रेशियो हमें 5:4 दिया हुआ है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 14400 प्लस 16y इज इक्वल टू 5 इंटू 54. तो इट कम्स आउट टू बी 270 और फिर 20 आगे प्लस 3y एंड फर्दर इट वुड बी प्लस 15y हो जाएगा. ये बेसिकली प्लस 15y एंड नाउ यहाँ से 16y में से 15y माइनस कर दें तो y का वैल्यू आ जाएगा 27,000 में से 14,400 माइनस कर दें तो इट कम्स आउट टू बी 12,600. तो y का वैल्यू 12,600 है जबकि x का वैल्यू 1800 है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज. वो ये वाली थी फीमेल्स टोटल मिला के. तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस y, x 1800 था और y 12,600 आया है हमारा. तो ये आंसर होना चाहिए. ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 126 में 18 ऐड कर लो पहले तो इट वुड बी 144 और फिर 20 आ जाएंगी और ये फर्दर इट वुड बी 43,200. तो जो टोटल फीमेल्स हैं विलेज के अंदर वो 43,200 होनी चाहिए. 43,200 इस सवाल का आंसर होना चाहिए और यही क्वेश्चन का सही आंसर है. दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.